कृष्ण कन्हैया जिनके मन में उतर गया है, जिनकी हृदय में प्रकट हो गया, उनका मन कहीं नहीं लगता एकमात्र गोविंद के श्री चरण कमलों को छोड़ करके, उनको सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते नहाते धोते रसोई बनाते झाड़ू मारते दफ्तर जाते सदैव उस हरि का चिंतन बना रहता है, वो बिसरते नहीं। अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना परियुपासते। हे अर्जुन, जो जन मुझे अनन्य भक्ति से उपासते हैं, भजते हैं, भजन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, जप कीर्तन करते हैं, नाचते गाते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को, रसोई बनाते हैं भगवान के लिए, अर्पण करते हैं, यद करोषि यदश्नासी यज्योषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्ते तद करोष्व मदर्पण। हे अर्जुन, ऐसे मेरे भक्तों के योग क्षेम मैं पूरा करता हूं, योग यानी उनको मैं मिलता हूं, जो उनको मिलने की इच्छा हो वो प्रदान करता हूं, जिस जगह जाने की इच्छा हो उस जगह को प्रदान करता हूं, जो भी उनकी अभिलाषा हो पूरी करता हूं, जो वस्तु चाहिए वो वस्तु देता हूं मेरे शुद्ध भक्तों को। वो एक बार कहकर तो देखें, मैं सब कुछ देता हूं, मैं अपने आप को दे देता हूं। और जो कुछ भी देता हूं इतना ही नहीं, उसकी रक्षा भी करता हूं, मेरे भक्त की रक्षा करता हूं, उसको जो कुछ दिया उसकी रक्षा करता हूं, उसके भजन की रक्षा करता हूं, उसकी अभिलाषाओं की रक्षा करता हूं, टूटने नहीं देता, पूरी करता हूं। अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। एक जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी पूर्व दिशा में है भारत में, भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में, एक बहुत सुंदर भगवान के भक्त थे भट्टाचार्य जी। घर में पत्नी थी, वो थे बुढ़ापा था, दोनों ही पति पत्नियों को भगवान की भक्ति करते थे, रहते थे, दोनों ही भक्त थे, अच्छे भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। एक दिन गीता पढ़ते पढ़ते यही श्लोक जब उन्होंने पढ़ा भट्टाचार्य जी ने, तो उनको थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ, थोड़ा रुक गए, सोचने लगे कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि योग क्षेम वाहम्य अहम्, कि मैं मेरे भक्त को क्या देना है, क्या दिलाना है, और उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। तो थोड़ा संदेह हुआ कि स्वयं को करने की क्या आवश्यकता होती होगी, किसी को आदेश दे देते होंगे वो, किसी को भी कि जा भाई रक्षा कर, किसी पुलिस वाले को या मिनिस्टर को या कोई देवी देवता को कि मेरा भक्त है उसकी रक्षा कर, और उसका जो भी झोंपड़ी आश्रम है उसकी भी रक्षा कर, उसके ऊपर कोई आंच न आए, और जो कुछ चाहिए वो मैं स्वयं जाके देता हूं। तो उनको संदेह हुआ कि किसी के द्वारा दिला देते होंगे, कोई बड़े सेठ के द्वारा, भाई कंबल नहीं है मेरे भक्त के पास, या रहने को जगह नहीं है, या यात्रा को पैसे नहीं है, वो दिला देते होंगे किसी के मार्फत, ऐसा कुछ संदेह हो गया। और उन्होंने वो गीता की इस लाइन को काट ही दिया
गीता में से, योग क्षेम वाहन में हम की जगह कर दिया ददान में हम की दिला देता हूं। वाहन हम का मतलब है कि मैं स्वयं देता हूं, और ददान हम का मतलब है मैं दिला देता हूं। बड़ा अंतर हो गया। और वो इसको करेक्शन करके उसके बाद में अपना पाठन पठन बंद करके और चले गए बाहर। घर में भक्त, शुद्ध भक्तों के घर कैसे होते हैं? छोटे मोटे घर जिसमें कभी अन्न हो खाने को, कभी नहीं हो। वही हालत थी आज। सब्जी भी नहीं है और कुछ आटा भी खत्म हो गया, कुछ अन्न दाल भी नहीं है। तो भट्टाचार्य जी की पत्नी तो घर में है, ये भट्टाचार्य जी कहीं लेने करने के जुगाड़ में गए हैं, कहीं कहीं से दिलाएंगे मुझे भगवान। उन्होंने ददान हम तो कर ही दिया कलम से काट। अरे भाई दिलाई दो, आप खुद देने कहां आओगे, या भूखे मर रहे। लेकिन उधर वो भट्टाचार्य जी इस जुगाड़ में कहीं गए हुए हैं, कुछ मिल जाए कहीं कोई सेठ वगैरहों से, कोई मित्रों से कुछ खाने पीने को, अन्न जल थोड़ा मैं खा लूं, पत्नी को खिला दूं, भूखे हैं। लेकिन उधर चमत्कार क्या घटता है, एक बालक जो है 10-12 वर्ष की अवस्था का बालक, अपने सर के ऊपर तो पट्टी बंधी हुई है बालक के, और थोड़ा खून भी टपक रहा है, और सर के ऊपर एक बड़ी पोटड़ी रखी हुई है, बड़ी वजनदार, और वो कठिनाई से चलता हुआ घर में घुसता है भट्टाचार्य जी की, जब पत्नी ही एकमात्र है, भट्टाचार्य जी तो बाहर गए हैं। और वो बालक ने कहा, मैया ये गठड़ी उतरवा लो। अरे बेटा क्या इस गठड़ी में, बड़ी वजनदार गठड़ी थी, दो उतारी दोनों ने मिलके। और कहा, बेटा ये तेरा क्या लाया गठड़ी में, यहां क्यों लाया है हमारे घर में? बोलो मैया ये तुम्हारे लिए लाया हूं, देखो तो खोल के। तो सभी चीजें, फल फ्रूट है, अन्न है, दाल है, चावल है, गेहूं है, आटा है, सब्जी तरकारी है। वो मैया कहती है कि बेटा ये तेरे खून कैसे निकल रहे हैं, किसने तुझे मारा है, मुझे बतला। तू तो इतना मेहनत करके कहां से मुझे ये इतना सामान लाया है, तू मुझे बतला किसने मारा है तुझे। बोलो नहीं मैया रहने दो, कोई बात नहीं है, किसने मुझे मार दिया आज, डंडे से मारा मुझे। बोलो मुझे नाम तो बतला उसका, मैं उसको देखूंगी। बोलो जाने दो मैया। बोलो नहीं बेटा तो मुझे इतना कुछ लाया है तो मुझे ये भी जरूर बतला, इतने सुंदर बालक तेरे किसने मारा है, किस बात पे मारा है। बोलो क्या बताऊं मैया, तुम्हारे पति ने ही मुझे मारा है और डंडे से मारा है। अरे मेरे पति ने, मेरे पति तो बेचारे कुछ बजा कभी ऐसा करते नहीं किसी के साथ, वो तो भगवान के भक्त हैं, वो किसी को डंडा हाथ में भी नहीं उठाते। ये क्या कह रहे हो बेटे? बोले हां मैया आपके पति ने ही मुझे मारा है। ये कह के वो बालक चला गया वहां से, हाथ छुड़ा के चला गया मैया से। आखिर कुछ समय के बाद में जब भट्टाचार्य जी आए, खाली हाथ, कुछ मल मिला नहीं, लेकिन पंडित उनकी पत्नी जो थी उन्होंने सब कुछ बतलाया कि एक बालक आया था यहां, सांवला सरंग था, 10-12 वर्ष की अवस्था का, ये पोटड़ी बड़ी वजनदार पोटड़ी रख के लाया और मुझे दे गया, पता नहीं कौन था, किसका बेटा था, लेकिन उसके सर में आपने क्यों मारा, आपने डंडे से मारा उसको, आपने तो कभी ऐसा किसी के साथ किया नहीं, उसको क्यों मारा? इतना सुंदर बालक, इतना सांवला सा रंग, इतनी भोली सी सूरत, उसको क्यों मारा बेचारे को? भट्टाचार्य जी बोले, मैंने किसी को मारा नहीं। वो बच्चा कह रहा था कि तुमने मैया तेरे पति ने मारा है मुझे, डंडे से मारा है। भट्टाचार्य जी रोने लग गए कि मुझसे महान अपराध हुआ है, महान अपराध हुआ है, मैं समझ गया। वो स्वयं कृष्ण थे,
मुझसे अपराध हुआ है, जो मैंने योगक्षेम वाहाम्यहम की जगह कलम से काट करके गीता में ददाम्यहम लिखा है, वही बड़ा अपराध हुआ है। वो मैंने उनका एक शब्द काटा है, वही मेरा महान अपराध हुआ है। वही उन्होंने दर्शाया है आकर के यहां कि मेरा सर तोड़ दिया, मैंने जो कुछ वचन कहे मेरे सर में डंडा मार दिया। उन्होंने तुरंत जाकर गीता को वापिस रेक्टिफाई किया, जैसी थी वैसी किया, ददाम्यहम को काट दिया और वाहाम्यहम किया जो इस श्लोक में है। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्त को स्वयं जाकर के उसको क्या चाहिए और किससे मिलाना है मैं स्वयं करता हूं, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं, किसी से करवाता नहीं, मैं स्वयं करता हूं। भट्टाचार्य जी खाली हाथ आए, कुछ नहीं मिला, उन्होंने ददाम्यहम लिखा तो भी नहीं मिला, लेकिन वाहाम्यहम भगवान का सार्थक हुआ। भगवान ने स्वयं आके दिया कि मेरा ये शुद्ध भक्त है और ये अपनी पत्नी सहित भूखा बैठा है। भगवान की ऐसी लीला है, ये लीलाओं को सत्य जानना चाहिए, मानना चाहिए। भगवान क्या नहीं कर सकते। अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम वाम्यहम। ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि माम एव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम्। भगवान कहते हैं जो लोग देवताओं का पूजन करते हैं, देवी देवताओं का, वो भी मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन वे अविधि पूर्वक करते हैं, उनको विधि मालूम नहीं है, वो डायरेक्ट मेरा पूजन नहीं जानते। अविधि पूर्वकम, ये बिना तरीका, ये कोई तरीका नहीं है मुझे पूजने का। देवताओं को पूजते हैं वो भी मुझे ही पूजते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। विधि विधान तो ये है कि मुझ साक्षात नारायण को पूजना चाहिए, मुझ एक को पूजना चाहिए, मुझ परमेश्वर को पूजना चाहिए। तो सब पूज जाते हैं, एक है सादे सब सदें, सब सादे सब जाएं, जो तू सेवे मूल को फूले फले अघाए। कबीर जी ने लिखा है एक की साधना करने से सब सद जाते हैं, इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि जिस मार्ग से भगवान श्री कृष्ण का भक्त गुजरता है उस मार्ग में देवी देवता फूल बरसाते हैं और कहते हैं कि धन्य वो भक्त भगवान श्री कृष्ण का, उस गोविंद का भजन में तल्लीन हो, धन्य है आप। जैसे वृक्ष की जड़ों में पानी डालने से सारा वृक्ष, तमाम वृक्ष हरा भरा हो जाता है, फल फूल देता है, ठीक वैसे ही मूल जड़ों में पानी डालने से, मूल परमेश्वर की पूजा करने से, आदि पुरुष नारायण की पूजा करने से ये तमाम देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये सूर्य अग्नि चंद्र सब प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की साधना करने से, भगवान का पूजन करने से सब पूज जाते हैं, और भगवान का पूजन नहीं किया और सबका पूजन किया तो उनका ही पूजन होता है, लेकिन अविधि पूर्वकम, वो विधि विधान से नहीं, सत्य रूप से नहीं हुआ। ऐसे ही है जैसे कभी कभी हम न्यूयॉर्क में जा घूमते हैं सड़क पर, कोई कोई, मैं अपनी सुना रहा हूं, कोई कोई व्यक्ति अपने कुत्ते को लेके आता है हाथ में, चैन डाल के गले में कुत्ते को घुमाता है, मैं कुत्ते को बोलता हूं हेलो, कुत्ता दुम हिलाता है, बड़े प्रेम से मुझे देखता है, मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मालिक खुश हो जाता है,
मालिक से मेरी जान पहचान भी नहीं है, फिर भी वो भी अपने मुंह से बोलता है हेलो। ऐसे ही आप यदि मूल में पानी डालेंगे तो सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मूल परमेश्वर की साधना करेंगे, पूजन करेंगे, भजन करेंगे, उनको अर्पण करेंगे, तो प्रसन्न होने से सब देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने यहां कहा ये बात को, या फिर कहा भगवान ने कि भक्त मेरा जानता है कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, जहां भी यज्ञ आप करोगे। इसलिए तो पंडित जी जब कोई पूजन यज्ञ करवाते देवी देवताओं का बड़े प्रेम से 2-2.5-3 घंटे तक, लेकिन अंत में वो जरूर श्लोक बोलते हैं भगवान को अर्पण करने का, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणिताय जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्णार्पणम श्री कृष्णार्पणम श्री कृष्णार्पणम। ये जो भी हमने देवी देवताओं का पूजन किया ये सब हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं, अंत में वो सब कृष्ण भगवान को अर्पण कर देते हैं। देवी देवताओं को तो प्रसन्न किया वो अविधि पूर्वक हमें जरूर अवश्य, लेकिन पंडितों को कुछ ज्ञान तो जरूर है, वरना पंडित कौन कहेगा। उनको ज्ञान है कि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को ये अर्पण होना चाहिए, सब उनकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, तो उनको अर्पण करते हैं मंत्र से मुख से बोलकर। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं। यान्ति देवव्रता देवान, अभी समझने की बात है कि वो भगवान का पूजन ही है अविधि पूर्वक ही सही, लेकिन उसमें नुकसान आपको यह है कि यदि तुम देवताओं को पूजोगे तो देवताओं को प्राप्त हो जाओगे, यदि किसी देवता को प्रसन्न कर लिया तो उसकी कृपा से आप देवता को प्राप्त हो जाएंगे या देवता आपको मिल जाएगा दर्शन दे देगा, या आप देवलोक तक भी चले जाएंगे स्वर्गलोक में। पितृयान्ति पितृव्रता, और जो पितरों को पूजते हैं जो मर गए गुजर गए, फोटो लगा रखी है मेरी मां की फोटो है, रोज अगरबत्ती दीपक करते हैं प्रणाम करते हैं, बर्थडे मनाते तो केक का पीस माँ वो फोटो के आगे भी रखते हैं माँ के लिए अर्पण करते हैं, कुछ न कुछ पूजन जैसा करते हैं। तो बोले जो पितरों का पूजन करते हैं जो गुजर गए बुजुर्ग लोग, तो जहां भी होंगे बुजुर्ग लोग वो उनको प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनसे उस आत्मा से ही प्रेम कर रहे हैं जो आज पितर बन गया है, चाहे वो जिस भी योनि में हो, मनुष्य की योनि में हो या देव की योनि में हो या गधे की योनि में हो, जहां भी वो बुजुर्ग होगा पितर होगा या पितृलोक में हो, ये पूजक पितरों का पूजने वाला यदि पूरी तरह से प्रेम है तो वहां उनको मिल जाएगा। यान्ति देवव्रता देवान पितृर यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेच्च। फिर भगवान ने कहा कि भूत प्रेतों को पूजने वाला भूत प्रेतों में चला जाता है, भूत इनको भी कहा है तत्वों को अग्नि देव पृथ्वी मात, ये भी भूत हैं अग्नि भूदेवी पृथ्वी, बहुत से लोग अग्नि देव की पूजा करते हैं, बहुत से सूर्य देव की करते हैं, कोई जल देव की करता है वरुण देव की,